सो है गाइस, फाइनली हीरो ने लॉन्च कर दी है अपनी लेजेंड बाइक XMR 210। इस बाइक की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो है 1,72,000 से। टोटल तीन कलर ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं, रेड, आइकॉनिक येलो और ब्लैक कलर आप लोगों को वहां पे देखने मिलता है। लुक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास डी की हेडलाइट्स ऑफर की जा रही है, साथ ही के साथ आपको LED में DRLs देखने मिल जाते हैं और काफी खूबसूरत लग रही है इसकी ये हेडलाइट डिजाइन। यहाँ पर बड़ा सा आपको वाइजर देखने मिलता है जिसको आप लोग, यहाँ पर एक बटन दिया गया है स्पेसिफिक, तो आप लोग इसको जैसे प्रेस करोगे तो आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ये इसके मिरर्स आप लोग देख सकते हो। बाकी फेयरिंग के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर दिया है स्पेशली हीरो वालों ने। यहाँ पर आपको बड़ी सी XMR की बैजिंग देखने मिलती है और यहाँ पर आओ गाइस, जिस बाइक का नाम का हम लोग वेट कर रहे थे वो यहाँ पर, फ्यूल टैंक यहाँ पर दिया गया है करिश्मा। जी हाँ गाइस, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आपको फ्यूल टैंक देखने मिलता है, साथ ही के साथ रेड के एलिमेंट्स भी यहाँ पर इंसर्ट किए गए हैं, तो काफी मिक्स कलर के साथ ये मोटरसाइकिल आपको देखने मिलती है। और हैंडल के बारे में बात करें तो क्लिप ऑन हैंडल बार आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। बाकी गाइस कुछ इस तरह का आपको इसका साइड लुक देखने मिलता है। बाकी चलते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको LED में ही इसकी टेल लाइट ऑफर की जा रही है। इसकी जो डिजाइन है वो भी काफी यूनिक, काफी अच्छी है। इंडिकेटर्स जो है बाइक में आपको LED में ही देखने मिलते हैं, तो यहाँ पर बाइक में कंप्लीटली आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलने वाला है। कहीं पर भी कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है LED के मामले में। अब चलते हैं और बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के टॉप व्यू के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको स्प्लिट टाइप की सीट ऑफर की जा रही है, जिसकी जो कुशनिंग है ना तो सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, तो ऑन एवरेज कुशनिंग आपको यहाँ पर देखने मिलती है। आपको ग्रैब रेल्स भी देखने मिल जाते हैं पिलियन के लिए। बाकी जो फुट पैक्स है पिलियन के लिए यहाँ पर ऑफर किए गए, जिसमें रबर मटेरियल का यूज नहीं है इस तरफ रबर। ये इसका एग्जॉस्ट मफलर आप लोग देख सकते हो, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट के साथ मिल रहा है। साउंड आप लोगों को मैं सुना देता हूँ कैसा है, तो ये आपको आइडिया आ जाएगा। तो काफ़ी बेसी साउंड आपको मिल जाता है, साउंड काफ़ी लाउड भी है और काफ़ी डिसेंट साउंड आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलता है। और अब चलते हैं इसकी यहाँ पर टॉप व्यू के बारे में बात करें तो 11 लीटर का आपको फ्यूल टैंक यहाँ पर देखने मिलता है, तो जिसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हिंज भी आपको मिलती है, तो ये डायरेक्टली ये जो पोर्शन है ये बाहर नहीं आएगा, तो आप लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। बाकी इस तरफ आपको क्लिप ऑन हैंडल बार ऑफर किए जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, यहाँ पर हजार्ड स्विच दिया गया है। इस तरफ जो ब्रेक लीवर है ये नॉन एडजस्टमेंट के साथ देखने मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मोड का बटन दिया है, तो यहाँ से आप लोग कंसोल को कमांड वगैरह देख सकते हो। बाकी इंडिकेटर का स्विच यहाँ पर है, स्विच आप लोग इस तरफ देख सकते हो, जो लाइट का थ्रो है वो भी आप लोग देख लो। ऑन का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो क्लच की वाली ये भी आपको नॉन एडजस्टमेंट के साथ ही देखने मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन हाईलाइट के बारे में, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट आपको इस मोटरसाइकिल में देखने मिलता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको फुली डिजिटल कंसोल देखने मिल रहा है, जो कि कम्प्लीटली आपको डिजिटल में ऑफर किया जा रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, साथ ही के साथ 10x10 नेविगेशन मिल रहा है। फर्स्ट इन सेगमेंट है, इसके पहले आपको किसी मोटरसाइकिल में ये जो फीचर है ये नहीं ऑफर किया जा रहा है इस सेगमेंट वाली बाइक्स में, तो आप लोगों को जो नेविगेशन में है काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको USB चार्जिंग का पोर्ट भी दिया गया है, तो ये जो सी टाइप वाला नहीं है। बाकी इस बात करें इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में, तो गाइस इस बार हीरो वालों ने यहाँ पे लिटरली कमाल कर दिया है। 210cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये मोटरसाइकिल आपको मिल रही है, जो कि 4-stroke 4-valve वाला इंजन है। इसमें आपको लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, साथ ही के साथ DOHC वाला इंजन आपको ऑफर किया जा रहा है, यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन। इस इंजन के पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो करीबन 25.5 BS का इंजन पावर जनरेट कर देता है 9,250 RPM पर, और 20 Nm का ही आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने मिल जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है इस मोटरसाइकिल के साथ। बाकी जो राइड रिव्यू है वो आपको जल्दी चैनल पर देखने मिलेगा, तो उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे ये बाइक चलने में कैसी है, इसकी जो पावर वगैरह है वो किस तरह से आपको मिलने वाली है, वो सब वहां पे हम लोग बात करेंगे। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो।